अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने जो है फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए जो आप लोग कोशिश कर रहे होंगे और हम लोग भी हैं आसानी पैदा करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग आप लोगों के काम आ सकें। तो आज की जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो उसके बारे में बताना है जो HEC की तरफ से न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है फॉर मास्टर एंड PhD, उसके बारे में कुछ डिटेल्स देना। सबसे पहले तो ये इसकी डेडलाइन जो है वो 25 मार्च 2019 है। दोनों पोर्टल्स पे आपने अप्लाई करना है, HEC के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है और न्यूजीलैंड के ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे भी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म्स के जो है हार्ड कॉपीज प्रिंट आउट करने के बाद HEC को सेंड करना है। अब सबसे पहले हम चलते हैं HEC के पास। HEC में जैसा कि आप ये देख रहे होंगे अनाउंस किया गया इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सिंपल वही है कि न्यूजीलैंड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। प्रोग्राम ऑफर में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे वैसे इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको एट द एंड दिखा दूंगा। सबसे पहले कंट्रीज कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। उसके बाद जो प्रोग्राम्स यहाँ पे गिवन है, क्लाइमेट चेंज एंड रेजिडेंस, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है। डिजास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, डिफरेंट सेक्शंस हैं। और गुड गवर्नेंस, वहाँ पे भी डिफरेंट नीचे डिफरेंट फील्ड्स गिवन है उनसे रिलेटेड। तो आपने यहाँ से वन बाय वन चेकआउट कर लेनी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आप जो है पाकिस्तानी एजे के बैचलर होना चाहिए, आपके पास रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर PhD आपकी 39 से ज़्यादा ना हो और फॉर मास्टर 35 से ज़्यादा ना हो। इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यू है, जो एक्स्ट्रा है, वो ये है कि आपके पास 1 ईयर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट मीन्स 12 मंथ आपके पास फुल टाइम का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास उसका प्रूफ भी हो। उसके बाद जो क्या क्राइटेरिया, वो यही है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर डिग्री होनी चाहिए, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 18 ईयर डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने क्या IBCC से HEC से वेरीफाइड कराने हैं। आपको इस स्टेज पे जरूरत नहीं होती, HEC मेंशन करती है लेकिन जरूरत नहीं होती, आप आफ्टर नॉमिनेशन वेरीफाइड करा सकते हैं। आपने क्या करना है, सारे इन एप्लीकेशन फॉर्म्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कराने के बाद आपने HEC को सेंड आउट कर देना है 25 मार्च 2019 से पहले। न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेटर ऑफ सपोर्ट फॉर PhD स्टूडेंट्स ओनली, सिर्फ PhD स्टूडेंट्स के लिए जो है कि वो सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करें, उनको कन्विंस करें कि भाई हम ये रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, हमारे पास ये जो हैं स्कोर्स हैं और ये गुड हमारे पास रिसर्च प्रपोजल है, हम जो है इस चीज़ को करने से कारामद साबित हो सकते हैं अपने डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो न्यूजीलैंड में भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में डिटेल आउट उनको कन्विंस करना है। लेकिन ये फिर बताता चलूँ कि ऑप्शनल है, ये ना हो कि आप लोग इससे कॉन्टैक्ट ही ना करें और अगर कॉन्टैक्ट करें तो रिप्लाई ना है तो आप क्या कहें कि मैं अप्लाई नहीं करता। तो अप्लाई आपने ज़रूर करना है, कोशिश करें 25 मार्च से पहले। अगर तो कोई सुपरवाइज़र आपको पोटेंशियल होता है, आपकी पोटेंशियल देख के आपको इंटेंट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो आपने फिर भी अप्लाई कर देना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमारे पास एप्लीकेशंस कम होती हैं या क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही होती, फिर लोगों को क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। और यहाँ पे आइट्स की बात करता चलूँ, आइट्स यहाँ पे बिल्कुल रिक्वायर है, आइट्स और टफल वालों को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे अप्लाई आउट कर सकते हैं। आफ्टर नॉमिनेशन, आफ्टर सिलेक्शन आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आइट्स भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे न्यूजीलैंड का लिंक गिवन है, जैसे मैंने बताया कि आपने दोनों पोर्टल्स पे क्लिक आउट करना है, अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सिंपल वही HEC का फॉर्म आपने फिल करना है, न्यूजीलैंड का फॉर्म आपने फिल करना है, HBL की 300 फीस पे करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने HEC को हार्ड कॉपीज सेंड कर देनी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम न्यूजीलैंड के फॉर्म पे चलते हैं। न्यूजीलैंड के फॉर्म पे जाने के बाद हमें क्या होगा, हमें यूनिवर्सिटीज का पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और हम HEC पे इजीली अप्लाई कर लेंगे। तो क्या होता है, अब यहाँ पे न्यूजीलैंड का एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे ये गिवन है, कॉमनवेल्थ एलिजिबल कंट्रीज जो है यहाँ पे गिवन है, आपने यहाँ से देख लेना है। उसके अलावा भी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये लिंक न्यूजीलैंड का जो है उनके पोर्टल का लिंक ओपन होता है, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि स्पेसिफिक रीजन में कौन कौन आते हैं, उसमें कौन कौन आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास अफ्रीका है, कैरिबियन है, एशिया पैसिफिक है। एशिया में हमारे पास बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया आते हैं। तो आपने जब आप यहाँ पे एशियन पे क्लिक करना है, एशियन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है
स्कॉलरशिप्स ओपन टू द एशियन कंट्रीज अप्लाई ऑनलाइन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स वो आपको बताता है कि आप इससे रीड आउट कर लें कि आपने क्या क्या करना है, कंफर्म करना है, ये करना है, वो करना है, रजिस्ट्रेशन विद न्यूजीलैंड करनी है, चेक दी फलां फलां फलां। तो ये सिंपल आपने यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद आप देखेंगे एंड पे जो है ये लिखा हुआ है, गो टू दी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। अपने अप्लाई ऑनलाइन एक्स्ट्रा लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन होता है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास, अभी देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो कर चुका हूँ कि लॉग इन कर चुका हूँ, इस वजह से जो है हमारे पास ये डायरेक्ट जो है हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, मैं आपको फिर भी इसको लॉग आउट करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने इसको करना कैसे। यू मस्ट रजिस्टर विद द न्यूजीलैंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। इफ़ यू डोंट हैव एलिजिबिलिटी कोड यू कैन कंप्लीट दी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगेन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आप देखें, दी एप्लीकेशन प्रोसीजर प्रोसेस कैन टेक सेवरल मंथ्स, प्लीज मेक श्योर यू विल रेगुलरली एक्सेस दिस ईमेल थ्रू आउट दी प्रोसीजर। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप नेम लिखना है जो भी आपके पास है, ये करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना, क्योंकि हमारे पास एलिजिबिलिटी कोड नहीं है। जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद क्या होगा, ये आपसे पूछेगा कि जो है ना, ये देखिए अपडेट 12 फरवरी 2019, दी पोर्टल विल बी ऑफलाइन फॉर द मेंटेनेंस। ये आपको वो डिटेल बता रहा है कि हमारा कब कब जो है ऑफलाइन होगा। अब यहाँ से आप ये देख लें कि ये सब जो है मेन एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो गई है। इंटेक्स वी डोंट सेम टू रिकॉर्ड टेस्ट, प्लीज टेक दी टेस्ट अगेन हेयर। टेस्ट अगेन का मतलब है ये वही आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है चेकआउट करेंगे कि आपने क्या क्या करना है। यहाँ पे देखेंगे आपने, यहाँ पे पाकिस्तान के अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पे जो है पोर्टल अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे जो आ रहा है वो फिलिप्स फ्लाम 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 जो है गिवन है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे अभी नहीं है। तो इसका जो है अभी इसको यहाँ पे टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा कि हो सकता है कि ये 3 to 4 days जो है आपको यहाँ पे ये बता दें कि आपका पाकिस्तान यहाँ पे एलिजिबल हो जाए और यहाँ पे पाकिस्तान का जो है ऑप्शन आ जाए। आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दी प्रोसीजर विल टेक सेवरल टाइम्स एंड फलां फलां, ये सब कुछ गिवन है। इसको करने के बाद एडिट होगा। जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे, वो टेस्ट फॉर्म नहीं करेंगे, आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। बाकी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पे नहीं है। छोटा सा फॉर्म है, जैसा कि आप ऑलरेडी जो है कॉमनवेल्थ कर सको, बहुत छोटा फॉर्म है ये, मैंने ऑलरेडी एक बार किया था, बहुत ही छोटा फॉर्म है। तो हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर जो है ये फॉर्म अपडेट हो जाए, जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि जो आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा जो मेंटेनेंस टाइम टू टाइम जो है वेरी करता है। तो इसी तरीके से अब ये होने के बाद आपने क्या करना है, आपने HEC के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। HEC के ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बाद आपने क्या क्लिक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका लॉगिन होता है। आपने इसको लॉगिन करने के बाद क्या करना होता है, लॉगिन करने के बाद आपने स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स में जाना है। स्कॉलरशिप्स ग्रांट्स में जाने के बाद आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द पे क्लिक करना है, फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ना स्कॉलरशिप नेम, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने मास्टर सेलेक्ट करनी है। मास्टर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, अपनी रिन्यूएबल जो भी आपकी बनती है, आपने यहाँ से जो है अपनी इंजीनियरिंग सेलेक्ट आउट कर लेनी है, जो भी आप करना चाहें। इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल है, केमिकल है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से कोई भी वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। देखें, योर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। ये फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको फिल करा चुका हूँ। रिक्वायर्ड इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है आपने यहाँ पे देना है। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा,
अगर तो आपको कोई इस तरह से एरर आए जैसा कि प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, तो आपने प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये इम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करते हैं, तो इम्प्लॉयमेंट पे ये आपसे हिस्ट्री डिमांड करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कोई भी अपना एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ पे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एड आउट करने के बाद आप क्लिक ऐड पे क्लिक करते हैं, तो आपका ये जो है ऐड हो जाता है। तो अपने ये करने के बाद जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी एक दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके टाइम को चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त से मैं इसको कर देता हूँ, अगस्त के बाद कर देता हूँ, ताकि ये ज़्यादा जो है हमारे पास बन सके। आपने इसको ऐड एंड अप टू डेट पे लिस्ट करने के बाद, अब आप ये देखेंगे ये आपका तकरीबन हो गया। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं कि ये हमें क्या बताएगा, क्योंकि मैंने अब जो है अपनी डेडलाइन जो है अपना जो दौरानिया है एक्सपीरियंस का वो चेंज किया है। वो चेंज करने के बाद अब ये देखते हैं कि हमें क्या बताता है, कि कोई एरर देता है या हम अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि मेरा एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन हो गया, क्योंकि जो मैंने डेडलाइन दी वो आगे को हो गई है। अब यहाँ पे फॉरेन कंट्री आपका सिंपल है, मैं ये एप्लीकेशन ये वाला पोर्टल कई बार अप्लाई कर चुका हूँ। न्यूजीलैंड या डिपार्टमेंट आपको होगा, टेलीफोन नंबर अपना लिखेंगे, फॉरन यूनिवर्सिटी आप किस में अप्लाई कर रहे हैं आप जो है न्यूजीलैंड के पोर्टल से आपको पता चल जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल आपकी अपनी होगी, रैंकिंग जो है वो भी आपकी अपनी होगी, रिसर्च प्रपोजल है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। रिसर्च प्रपोजल ये मास्टर के लिए ऑप्शनल होता है, पीएचडी के लिए मस्ट होता है, तो पीएचडी वालों के लिए ये करना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके पास आइट्स हैं तो आइट्स देना है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पोर्टल को फिल करने की, तो सिंपल प्रोसीजर है, आप ये अप्लाई करें। और जो एक और यहाँ पे कोई नई बात जो नहीं है, और जैसे ही पोर्टल अपडेट होता है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड के पोर्टल में जैसे ही हमारी जो है डेडलाइन ऊपर आती है, हमारा कंट्री ऐड किया जाता है, क्योंकि स्कॉलरशिप तो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही वो ऐड अप करते हैं, मैं आप लोगों को जो है नोटिफाई कर दूंगा कि जो है ना अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद इतना ही था कि आप लोगों को बता दिया जाए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर बताता चलूँ, आइट्स कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छा है। पीएचडी के लिए जो है लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ सपोर्ट होना ज़रूरी है, अगर ना भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो आपको मिल जाए। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस हो, और इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं है। तो मुझे इजाज़त चाहिए, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।